NTS National Testing Service Pakistan. Agla GAT test, GAT General, jo log dena chahte hain, wo is video ko zarur dekhen. NTS ki website mein diye gaye schedule ke mutabik, agla GAT test 21 January itwar wale din hoga. 21 January 2018. और उसके लिए फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 22 दिसंबर 2017 है. तो 22 दिसंबर तक फॉर्म जमा करवाने वाले तलबा ही 21 जनवरी को टेस्ट दे सकेंगे. और 22 दिसंबर तक फॉर्म जमा कराने का यह मतलब नहीं कि आप उस दिन फॉर्म डाउनलोड करें और फिल करें और फिर उसको पोस्ट करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि 22 दिसंबर को फॉर्म एनटीएस के ऑफिस पहुंच जाना चाहिए. तो इसका मतलब ये हुआ कि उससे 2-3 दिन पहले अगर आप फॉर्म जमा करवाएंगे तो फिर ही वो 22 दिसंबर तक एनटीएस के ऑफिस पहुंचेगा. तो इस शेड्यूल को आप नोट कर लीजिए. और अब जो सबसे अहम बात कि आप अगर ये अंदाजा करना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है और कौन से सेक्शन में आपकी तैयारी कैसी है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा सैंपल पेपर हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं. उसको देखें, उसे सॉल्व करें और अंदाजा करें कि आपकी तैयारी कहाँ खड़ी है. पेपर में सवालात इस सैंपल पेपर से थोड़ा मुश्किल भी आ सकते हैं, इसलिए इस बात को भी जहन में रखना है और उस लिहाज से अपनी तैयारी आपने करनी है. तो सैंपल पेपर देखते हैं. ये एनटीएस गैट जनरल के लिए सैंपल टेस्ट है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं. इस सैंपल टेस्ट में सवालात की तादाद आपके दिए गए पेपर के मुताबिक नहीं होगी, उसके लिए आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेक्शन देखिएगा एनटीएस की वेबसाइट पे, या जो हमने सेक्शन वाइज वीडियो इसी चैनल पे अपलोड किया उसे आप देख सकते हैं. सबसे पहले वर्बल सेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस हैं आपके सामने जिनमें आपने दी गई ऑप्शन से जुमला मुकम्मल करना होता है. अब आपके सामने एनालॉजी के क्वेश्चंस हैं जिसमें पेयर मेन दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन 5 डिटेंशन रिलीज, इन दोनों का रिलेशन देखना और उसके मुताबिक ऑप्शंस बतानी है कौन सी ऑप्शन में वैसा ही रिलेशन है. तो ये एनालॉजी के क्वेश्चन. एनालॉजी के बाद एंटोनिम्स, अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स वाले क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन 9 है विम्सिकल और उसका अपोजिट बताना है कि क्या है. एंटोनिम्स के बाद रीडिंग पैसेज आ जाएगा, एक पैसेज आपको छोटा सा दिया होगा उसे आपने पढ़ना है और उससे मुतल्लिका क्वेश्चंस के आंसर आपने देने. उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग का सेक्शन है, एक पैरा आपको दिया है इसे समझना है और क्वेश्चन के आंसर देने हैं. आप वीडियो को रोक के मुतलका क्वेश्चंस को देख सकते हैं पॉज करके. डिस्क्रिप्शन में वो पेज दिया हुआ है जहां पे आप इन क्वेश्चंस को दोबारा से देख सकते हैं रिटन फॉर्म पे इंटरनेट के ऊपर. लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन, इस वेबसाइट से आप ये पूरा पेपर देख सकते हैं. ये आपके सामने वेबसाइट है aleemacademy.blogspot.com.